हेलो माई टियर्स होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वेल ओके लेट्स कंप्लीट द लास्ट चैप्टर फ्रॉम योर हिंदी बुक दैट इज एसे थे बाल कृष्ण भट्ट वी आर रिवाइजिंग द शबार्थ फर्स्ट पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री पहला शब्द है मोहपाश मीन्स मोह का बंधन इनफेचुएटेड इट मीन्स हैविंग अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लव फॉर सम्बडडी और समथिंग प्रतिष्ठित सम्मानित और स्थापित मीन्स ऑनरेबल निबंधकार निबंध लिखने वाले एसेस्ट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स एसेज सिद्धांत मीन्स निश्चित मत या उसूल मीन्स प्रिंसिपल्स हस्तक्षेप दखलंदाजी मीन्स इंटरफेरेंस सुहाता अच्छा लगता मीन्स समथिंग दैट यू प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन आजीवन जीवन भर लाइफ टाइम समकालीन उसी समय के ऑफ दैट टाइम चित्ताकर्षक चित्त या मन को आकर्षित करने वाले मीन्स फैसिनेटिंग मौलिक मूल रूप से या स्वयं की मतलब ओरिजिनल अनुदित जिसका अनुवाद किया गया हो मीन्स ट्रांसलेटेड आगे हैं मुहावरे ऊंची उड़ान भरना ऊंचे लक्ष्य तय करना या ऊंची कल्पनाएं करना चार चांद लगाना सुंदरता को और बढ़ा देना आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख मीन्स फॉर डिक्टेशन एंड यू विल डू दिस वर्ड्स योर सेल्फ पाठ बोध तो इसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर पहले हैं मौखिक प्रश्न पहला प्रश्न है क बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था उत्तर बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पंडित वेणी प्रसाद था ख बाल कृष्ण भट्ट किस विद्यालय में अध्यापक थे उत्तर बाल कृष्ण भट्ट कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक थे किससे प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत लिया घ उनकी तुलना किस प्रसिद्ध निबंधकार से की जा सकती है उत्तर उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है अगला प्रश्न है वे किस प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका के संपादक थे उत्तर वे प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक थे उनके किसी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताइए उत्तर नूतन ब्रह्मचारी प्रसिद्ध उपन्यास है इसके आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न तो इसके अंतर्गत क्या है नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए सही वाक्यों के सामने टिक्का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए तो इन इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके लिए आपको ध्यान से यह जो लेसन है फिर से पढ़ना चाहिए तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये यह मार्क किए हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं क पंडित बाल कृष्ण भट्ट का जन्म काशी में हुआ था इट्स रॉन्ग सो क्रॉस लगाएंगे प्रयाग में हुआ था उनकी माता बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिला थी यस yes. तो टिक लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनसे प्रभावित होकर साहित्य सेवा का व्रत लिया इट्स ये प्रभावित हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनसे तो इसके अगला है उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की करेक्ट तो टिक लगाएंगे उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया ये yes, इसके आगे भी हम टिक लगाएंगे वे अंग्रेजी उर्दू फारसी और संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे करेक्ट तो टिक लगाएंगे और अंतिम वाक्य है उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध नहीं लिखी हैं इट्स रॉन्ग तो क्रॉस लगाएंगे आगे है लिखित प्रश्न तो पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न तो पहला प्रश्न है पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था उत्तर पंडित बाल कृष्ण भट्ट का जन्म तीन जून अठारह को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था ख उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं उत्तर बालकृष्ण भट्ट की माताजी बहुत अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थीं उनकी शिक्षाओं का प्रभाव बालक बालकृष्ण पर बहुत अधिक पड़ा स्कूल में दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी उर्दू फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया प्रारंभ में उन्होंने आजीविका के लिए क्या क्या कार्य किए उत्तर प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक व्यापार का कार्य किया वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे घ निबंध संग्रह के नाम लिखिए उत्तर उनके निबंध संग्रह के नाम साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली हैं अगला प्रश्न है उनके अनुदित अनुदित नाटक कौन कौन से हैं उत्तर उन्होंने वेणीसंहार मृचकटिक और पद्मावती आदि नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया च उनके मौलिक नाटकों और उपन्यासों के नाम लिखिए उत्तर उन्होंने दमयंती स्वयंवर बाल विवाह चंद्रसेन और रेल का विकट खेल जैसे मौलिक नाटकों की रचना की उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सुजान नामक प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की उसके आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क बालकृष्ण भट्ट के परिवार एवं शिक्षा के विषय में लिखिए उत्तर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था उनकी माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थीं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव बालक बालकृष्ण पर बहुत अधिक पड़ा स्कूल में दस दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया ख बाल कृष्ण भट्ट के बहुचर्चित निबंध कौन कौन से हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उत्तर बालकृष्ण भट्ट जी ने आँख नाक कान बातचीत जैसे साधारण विषयों पर बड़े ही सारगर्भित निबंध लिखे हैं आत्मनिर्भरता चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों के साथ उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर भी लेख लिखे हैं उनके निबंध संग्रह के नाम साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली हैं उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते हैं और शिष्ट हास्य व्यंग्य से भरपूर हैं भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार थे कैसे उत्तर भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की उस सभा की ओर से हिंदी मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन भी किया वे ३२ वर्षों तक इसके संपादक रहे और इसे नियमित रूप से चलाते रहे हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त उन्होंने दो तीन अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादन में उन्होंने बाबू श्याम सुंदरदास और रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया घट्ट जी की भाषा पर उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव दिखाई देता है इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए उत्तर भट्ट जी ने अपनी रचनाओं में यथासंभव शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में वे बड़े कुशल थे कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उनकी भाषा में चार चांद लगा दिए हैं उनकी भाषा में पूर्वीपन की झलक दिखाई देती है जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू अरबी फारसी तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जिससे भाषा जीवंत और विचार मन को छूते प्रतीत होते हैं आगे है भट्ट जी की शैली के कितने रूप दिखाई देते हैं उनकी प्रतिनिधि शैली कौन सी थी उत्तर विचारात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लिखते समय किया है वर्णात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने व्यावहारिक और सामाजिक विषयों के निबंध नाटकों व उपन्यासों में किया है भावात्मक शैली का प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया गया है इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कहा जा सकता है च साहित्य सेवा के प्रति उनकी रुचि की चर्चा करते हुए बताइए कि उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी को हिंदी साहित्य को समृद्ध किया उत्तर बाल कृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित होकर साहित्य सेवा का व्रत लिया और आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा व उन्नति में लगे रहे उन्होंने अपने समकालीन लेखकों के साथ खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को व्यावहारिक उपयोगी तथा यथार्थ धरातल प्रदान किया उनकी प्रमुख रचनाओं में दमयंती स्वयंवर बाल विवाह चंद्रसेन रेल का विकट खेल मौलिक नाटक तथा वेणी संहार मृचकटिक और पद्मावती अनूदित नाटक हैं उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी तथा सौ अजान एक सुजान प्रमुख है तो इसके बाद है व्याकरण बोध तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछले पाठों में तो एक बार यहां से भी पढ़ लेते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है मीनिंगफुल वर्ड्स तो मीनिंगफुल वर्ड्स के आगे ये जुड़ते हैं उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं जैसे स जमा रस सरस तो रस जो है मीनिंगफुल वर्ड है उसके आगे स जोड़ने से उसका नया शब्द बना सरस ऐसे सुजमा रुचि सुरुचि प्रति जमा निधि प्रतिनिधि आदि हिंदी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है हिंदी में आपको पता ही है कि इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं उर्दू फारसी के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसलिए अंग्रेज़ी और उर्दू फारसी के उपसर्गों का प्रयोग भी प्रचलित है तो इनके उपसर्ग भी हम प्रीफिक्स भी हम यूज़ करते हैं जैसे लाजवाब तो ये वर्ड बना लाजवाब हम जमा जोली हम जोली डिप्टी जिसको डेप्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में इसको डिप्टी ही लिखते हैं डिप्टी प्लस कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर सब इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तो आपने क्या करना है नीचे दिए गए उर्दू फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों से निर्मित शब्द लिखिए तो यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रीफिक्स दिए हैं जो कि उर्दू फारसी के हैं और अंग्रेजी के हैं उनका प्रयोग करते हुए आपने वर्ड्स बनाने हैं जैसे पहला है चीफ मिनिस्टर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है चीफ जमा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तो एक और वर्ड हमने क्या बनाया चीफ जस्टिस तो आप कोई अन्य भी बना सकते हैं वाइस जमा तो वाइस के साथ क्या लिखेंगे हम जैसे वाइस चांसलर वाइस प्रिंसिपल हेड हेड के साथ हम क्या बना सकते हैं हेड मास्टर हेड ऑफिस डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर उसके बाद है जनरल तो जनरल हॉस्पिटल जनरल वार्ड तो आप कुछ अन्य भी लिख सकते हैं ऐसे हर से हर पल यहाँ पर हर एक मैंने लिखा है ये हर जमा एक मतलब संधि जो की है हर जमा हर और एक अलग अलग लिखेंगे तो हर एक लिखेंगे या एक साथ लिखना है तो हर एक ऐसे हर दिन आपको अन्य वर्ड्स भी लिख सकते हैं उसके बाद है छ दर दर के साथ क्या बनाएंगे दर असल दर किनार कम कम से जैसे कमजोर कम, कम अक्ल गैर से गैर जिम्मेदार गैर कानूनी ऐसे ना से नाकाम नालायक। तो आगे है दूसरा प्रश्न निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए तो वन वर्ड सब्टिट्यूशन क अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय जो सबसे आगे हो अग्रणी अतिथि का सत्कार आतिथ्य जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी निरंतर कर्मशील रहने वाला कर्मरत या कार्यरत कुछ भी लिख सकते हैं आप सुबह तीसरा प्रश्न निपात वे अव्यय शब्द जो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल डालते हैं निपात कहलाते हैं तो इसके विषय में भी मैंने अपने इसी चैनल पर बहुत से ग्रामर का अलग से टॉपिक इस टॉपिक पर भी मैंने लिखा हुआ है तो आप वहाँ से और डिटेल में सीख सकते हैं जैसे तुम आज दिल्ली जाओगे तो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है जब हम इसको ऐसे लिखें तुम आज ही दिल्ली जाओगे तो इस वाक्य में ही आज के अर्थ पर विशेष बल दे रहा है अतः ही निपात है तो अधिक बल दे रहा है कि आज ही ओनली टुडे तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है हम उसके मीनिंग को और पावरफुल बना देते हैं वर्ड के तो कुछ मुख्य निपात हैं ही भी तक तो मात्र आदि कुछ अन्य उदाहरण क बाल कृष्ण भट्ट ने बड़े ही सार गर्भित निबंध लिखे हैं बड़े ही तो ही लगाने से बड़े के अर्थ को और इन्होंने प्रभावशाली बना दिया बाल कृष्ण भट्ट एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे मतलब भी लगाने से भी मतलब नॉट ओनली अदर थे अदर जो उनकी क्वालिटीज थी वो एक जर्नलिस्ट भी थे तो इस तरह से जो मीनिंग है और भी वो बन जाता है प्रभावशाली इसी प्रकार तीसरा वाक्य है वे बत्तीस वर्षों तक हिंदी प्रतीप के संपादक रहे तो आपने क्या करना है नीचे लिखे निपातों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए तो आपने सेंटेंसेस बनाने निपातों का प्रयोग करते हुए तो यहां पर मैंने आपके लिए बनाए हैं आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं पहला है मात्र सोचने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी प्रयास करने होंगे आगे तक तुम अभी तक परिश्रम का महत्व नहीं समझे हो ही ऐसे महान कार्य आप ही कर सकते हैं भी वे भी हमारे साथ चलेंगे तो इस बार इतने अच्छे अंक लेकर तुमने तो कमाल कर दिया तो लाइक दैट यू कैन मेक सम अदर सेंटेंसेस आल्सो चौथा प्रश्न है नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए तो समास विषय पर भी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और मैंने ग्रामर के टॉपिक्स में इसी चैनल पर इस समास को भी विस्तार से समझाया हुआ है आप वहाँ से भी सीख सकते हैं क तो क जो पहला शब्द है साहित्य सेवा तो इसका विग्रह क्या हुआ साहित्य की सेवा तो ये कौन सा समास हुआ तत्पुरुष समास सुरुचि संपन्न तो विग्रह है सुरुचि से संपन्न तत्पुरुष समास यथाशक्ति शक्ति के अनुसार तो यह है अव्ययी भाव समास अगला है घर द्वार तो इसका विग्रह हुआ घर और द्वार तो यह हुआ द्वंद्व समास तिराहा तीन राहों का समूह यह है द्विगु समास आगे अंतिम प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए तो इस विषय को भी मैंने अपने इस चैनल पर अलग से भी अपलोड किया हुआ है तो आप वहां से सीख सकते हैं क निबंधावली निबंध जमा अवली भावात्मक भाव जमा आत्मक पुस्तकालय पुस्तक जमा आलय घ पत्राचार पत्र जमा आचार अंतिम शब्द है सर्वोच्च सर्व जमा उच्च सो दैट्स इट विद दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन्स फ्रॉम grade 7 hindi book next time we shall meet with grade 8 hindi lessons so for the time being work very hard for your fast approaching final exams i, feel, I wish you good luck for the same and stay connected with your this hindi channel goodbye for now